जी हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं भाई आपका रोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट मैंने एक बार वीडियो वॉइस की कंफर्मेशन दे दो, वीडियो वॉइस ओके है हाँ। तो आज सबका पहले तो स्वागत करते हैं, अपना फर्स्ट डे है वे टू 100 सीरीज का। अगर 100 मार्क्स लेने हैं तो करनी है बस जूलॉजी बॉटनी को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट, ठीक है। और इस सेशन में आपा करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की फॉर्म ऐसे नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज, उसकी पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको करवाऊंगी कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। जूलॉजी एंड बॉटनी के दोनों के एमसीक्यूज आपा इसमें डिस्कस किया करेंगे। सो डेली इसकी टाइमिंग नोट करो, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, इसकी टाइमिंग है रात को 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 PM यहां पे अपनी डेली क्लास हुआ करेगी, लाइव सेशन हुआ करेगा जूलॉजी बॉटनी के एमसीक्यूज के लिए। फटाफट से हो जाओ रेडी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हां जी चलिए आइए। तो भाई वे टू 100 का है, 100 के रास्ते तक जाते जाते आज हमारा सफर शुरू हो चुका है। क्या आप इस सफर में मेरा साथ दोगे, पहले तो ये बता दो फटाफट से, ठीक है। तो इसका डे वन आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो आपको लिंक है, ठीक है, इस क्लास का, प्लस इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन के ऊपर। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इशिका साइंस जोन, ठीक है, ताकि आपको मेरे रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन आप डेली इसमें किया करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, कुछ फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कहानी जो हमारे एनिमल किंगडम की शुरू होती है वो नोकिया के फोन से होती है और जाती है आईफोन तक। कहां तक जाती है? आईफोन तक जाती है, ठीक है। तो कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, मतलब भाई नोकिया तो नहीं, सैमसंग तक तो वो कहानी पहुंच चुकी है ना। चलो बायलेटरल सिमेट्री है, मतलब ये भी सैमसंग की दुनिया है। ट्रू सिलोमेट्स है, ये तो बिल्कुल भाई ये तो सच्चे आदमी आ गए हैं। तो देखते हैं एनालिट्स है, अर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। एनालिट्स, अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कोडेटा। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाती हूँ, इसके बाद आपका आंसर खुद ब खुद ही हो जाएगा। कहते हैं मोलस्क शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं मोलस्का जो है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करता है विद अनसेगमेंटेड बॉडी। पर इन्होंने हमें पीछे क्या बोला, सेगमेंटेशन होनी चाहिए, तो मोलस्का वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे, काट दें मोलस्का ऑप्शन गया, मोलस्का ऑप्शन गया। तो सीधा आंसर आपके पास स्टूडेंट्स एनालिड है, अर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटा है, इन तीनों के अंदर ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। ऑप्शन क्या आ गया, सी। तो देखो भाई क्या कहते हैं, हैविंग डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होता है, इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, पर कुछ मोलस्क जो हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसी वजह से हमने मोलस्का वाली ऑप्शन को कैंसिल करा, तो अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसा लगा फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का वो किसके ऊपर बेस्ड है। चलो भी पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में। कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। कहते हैं हमारे दादाजी कौन थे, पर दादाजी कौन थे है ना, इन सब के बारे में बातें करता था कौन, हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एज वेल एज जो हमारे जीन्स का रिलेशनशिप है उसके बारे में भी किसने बताया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ने, ठीक है। तो देखो भाई अब इससे आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम केमिकल्स पे था, नहीं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे था, नहीं। फ्लोरल करेक्टर्स पे, नहीं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर था। तो ऑप्शन क्या आ गया भाई, डी आ गया। वेरी गुड भाई, मेरे से पहले आंसर लगा दिया आप लोगों ने, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट से। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। कहते हमें पूछा गया है कि ट्रू सिलोमेट्स है, यानी कि सिलोएम कैविटी भी प्रेजेंट है, प्लस बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, प्लस बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। तो भाई बायलेटरल सिमेट्री जो है वो किसके अंदर स्टार्ट होती है, पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ जी, तो देखो एस्केलमिंथिस जो है हमारे, ठीक है, लाइहेलमिंथिस है, इकाइनोडर्म्स है और एनालिट्स है, चार दे रखे हैं। सिलोमेट्स तो इनमें से है ही नहीं ना भाई, ना तो एस्केलमिंथिस है, ना इकाइनोडर्म है, ना अपना लाइहेलमिंथिस है, सिर्फ और सिर्फ एनालिट्स हैं। ये आगे बड़े बंदे, कौन आगे, ये बड़े बंदे आगे, इनके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज मिलेंगी। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है भाई, तो पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। कहते वो कंडीशन जिसमें जब गैस्ट्रुला स्टेज बनती है ना जाइगोट के बाद, उसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट हो, कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है, तो उसको अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, तो टीनोफोर तो बेचारे पुराना जमाना,
चक दिए। स्पॉन्ज ये तो बिल्कुल ही पुराना जमाना, कोरल भी, तो सिर्फ फ्लैट वॉर्म है जिसमें हमें पहली बार रिप्लोब्लोस्टिक देखने को मिला। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड। हाँ जी, अभी करवा के गई हूँ ट्रेड्स के बारे में, जीन्स के बारे में, कौन से सिस्टम ने बात की थी बताओ, नहीं तो एलियन बनोगे इस क्वेश्चन के। जल्दी बताओ जल्दी, शाबाश। जीन्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, कौन से सिस्टम ने बात की थी? बिल्कुल सही, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। हाँ जी, तो देखो सारा पढ़ाती हूँ टॉपिक, ये आपको पूरी की पूरी पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन के ऊपर, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो कहते हैं तीन सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है, एक फाइलोजेनेटिक होता है, ठीक है। नेचुरल सिस्टम में बात की गई है किसके बेसिस पे? टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स के बेस पे, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी जो है साइटोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल के बेस पे इसको देखा गया। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इसमें करेक्टर्स आते हैं, और जो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इसमें जीन्स आते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आती है, ओके। चलो जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई अपना? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखवाया भाई तुमने, है? तुम तो महा एलियन हो, मैम आपकी भुलक्कड़ है, क्वेश्चन नंबर लिखवा दिया करो। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एनिमल के बारे में सही है? ओके जी, देख लेते हैं क्या सही है, है ना। कहते हैं जो लाइहेलमिंथिस होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं? ना जी ना, इतनी कहां किस्मत की अभी बॉडी कैविटी आ जाए। मोलस्का ए सिलोमेट्स होते हैं। कहते राउंडवर्म्स जो हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। इंसेक्ट सूडोसिलोमेट होते हैं? नहीं, इंसेक्ट में तो सिलोएम कैविटी पूरी होती है, मोलस्का वैसे सिलोमेट्स हैं पर सेगमेंटेशन नहीं होती। तो जो राउंडवर्म्स हैं एस्केलमिंथिस, ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। ऑप्शन आ गया सी। ऑप्शन क्या आ गया अपने पास? सी। तो देखो ए सिलोमेट्स वो एनिमल है जिनके पास बॉडी कैविटी सिलोएम नहीं होता। इसमें आपका पोरीफेरा आता है, कोलेंट्रेट आता है, टीनोफोर्स आते हैं, लाइहेलमिंथिस आते हैं, ठीक है। तो सूडोसिलोमेट्स बॉडी स्पेस जो है वो क्या है? फॉल्स सिलोएम। कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, कहने को तो है बट नहीं है, ठीक है। एग्जांपल जिसमें आती है एस्केलमिंथिस, जो कि अपने आंसर लगाया है, जो कि अपने क्या लगाया भाई? आंसर लगाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो अब अपने जितने भी आगे के डेज रहेंगे मैक्सिमम 9 से 10 दिन आप सिर्फ एनिमल किंगडम के और अपना जो प्लांट्स वाले चैप्टर जो हैं वो क्लासिफिकेशन, ये दो चैप्टर्स में लेके चली हूँ। पहले इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। जैसे अब अपने पास क्वेश्चन आ गया, कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो कोलेंट्रेट्स में तो है ही नहीं, स्पॉन्ज में भी है नहीं, है ना। और टीनोफोर आएगा या एस्केलमिंथिस आएगा? तो एस्केलमिंथिस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी तो जमाना क्या था? पुराना था। ऑप्शन क्या आ जाएगी? ए, एस्केलमिंथिस फाइलम है, जो क्या है भाई? इक्वेटिक है, फ्री लिविंग है, बॉडी स्लेंडर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। लाइनस ने जो सिस्टम का यूज किया उसका नाम क्या था? हाँ, जो सिस्टम लाइनस ने यूज किया वो सिस्टम का नाम क्या था? उसका नाम था आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या नाम था? आर्टिफिशियल सिस्टम। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कहते लाइनस पुट फॉरवर्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन विच वॉज बेस्ड ऑन सेक्सुअल करेक्टर, जिसके ऊपर की क्रिप्टोगैमिया के बारे में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब कौन से प्लांट के अंदर क्या कुछ चेंजेस आएंगे, सारा आर्टिफिशियल सिस्टम में बताया गया। इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई सी। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? सी, ठीक है। तो ये थे अपने आज के भाई 8 क्वेश्चंस। डेली अपन 8 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, 4 जूलॉजी के, 4 बॉटनी के विद एक्सप्लेनेशन किया करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलना। इसी के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट जूलॉजी बॉटनी की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहता है तो मेरा न्यू बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच जो है वो जूलॉजी बॉटनी का स्टार्ट हो चुका है। आपने कॉल करनी है सिर्फ एक नंबर 7710104040 पे। आप मेरे से बात भी कर सकते हो, जूलॉजी बॉटनी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मैं उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है जी। बड़े ही ट्रिकी वे में आप हर एक चीज को करेंगे, डे बाय डे सीरीज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने सेम टाइम 8:30 टुमारो। थैंक यू।